हमारे स्टेट हेडक्वार्टर से मैसेज आया है हमारे पास नेशनल आईएमए से कि आज हम डिमांड डे है हमारा, स्ट्रिक्टर लॉ बनाया जाए अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर पर्सनल, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर हो ताकि लोग कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर उनको कोई ग्रीवेंसेस है तो वो प्रॉपर तरीके से उसको ऑफिसर्स या गवर्नमेंट को अप्रोच करें और उसमें देखा जाएगा कि वो कॉम्प्लिकेशन है। हर प्रोसेस की कॉम्प्लिकेशन होती है, कॉम्प्लिकेशन है कि नेग्लिजेंस, अगर नेग्लिजेंस है तो सर्टनली उनको सज़ा मिलेगी। अगर कोई नेग्लिजेंस करता है, ठीक है हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, बहुत अच्छे भी हैं और कुछ एक ऐसे भी हैं हो सकता है जो मतलब बिना प्रिपेयर्डनेस के या जो भी है या कुछ गलतियां करते हों, तो उनको ठीक है उनको मिलनी चाहिए, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है ना। कानून को अपने हाथ में लेना या तोड़फोड़ करना या मारपीट करना डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर्स को मर्डर्स की तरह ट्रीट करना, तो ये तो अल्टीमेटली पब्लिक को ही नुकसान होता है, क्योंकि फिर डॉक्टर हाई रिस्क केसेस लेने से इनकार कर देता है, डॉक्टर सो तरह की रिफ्यूज़ल्स करता है कि नहीं ये तो इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है, मरीज़ के मरने की आशंका है, तो मैं ये कल को मेरा तो तोड़फोड़ करेंगे, मेरे खिलाफ़ जाएंगे, मैं क्यों पंगा लूँ, मैं ये केस ही नहीं लेता। तो अल्टीमेटली ये पब्लिक को ही नुकसान होता है जब पब्लिक ऐसे बिहेव करती है, तो पब्लिक को विश्वास रखना चाहिए ताकि डॉक्टर्स बेहतर सेवाएँ दे सकें। आज 2 घंटे हमने 8 से 10 ओपीडी बंद की है। हमारी सरकार से गुजारिश है, डिमांड है कि एक्ट बनाया जाए, लॉ बनाया जाए ताकि लोग कानून अपने हाथ में ना लें, और जो भी लॉ बनता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट तरीके से हो। और हम बाबा रामदेव के खिलाफ भी FIR चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो उन्होंने अपमान किया है पूरी हेल्थ केयर पर्सनल्स का, डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का, और एक तरह से वैक्सीन प्रोग्राम और सब चीज़ का उन्होंने अपमान किया है, उसके लिए उनको जो भी हमारे कानून के हिसाब से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। 10 बजे के बाद हम लोग चाहे काला मास्क पहने, चाहे काला रिबन, काला बैंड या काले कपड़े पहन के, तो हम लोग पूरा दिन काम करेंगे।